बोलिए अभिषेक जी। सर मुझे लगता है कि अंधश्रद्धा के नाम पर अगर जो कानून अगर बनाया जा रहा है, विधेयक लाने की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सही की जा रही है। लेकिन लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है कि अंधश्रद्धा के नाम पर ऐसा कानून लाया जाए जिस नाम से श्रद्धा का ही कत्ल हो। जैसे मैं दोबारा बताना चाहूंगा प्रशांत जी, खास करके आपके लिए, कि जैसे साईं बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे, आप इसको क्या कहेंगे? देखिए पानी से दीपक जलाए, मैं तो खैर इन चीजों में बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये है चमत्कार है। इवन मैं तो जैनिज्म को मानता हूँ, तो हमारे यहाँ भी कई ऐसे साधु संत हैं जो चमत्कारिक रूप दिखाते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन कई बार अगर देखा जाए इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर मैं हरिद्वार जाता हूँ जैसे, तो वहां पर कई ऐसे आश्रम में ऐसे साधु संत मिलते हैं जो बाकी में ढोंग कर रहे हैं और देश के लोगों को या भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, तो जो ढोंगी है उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये सब ठीक है। लेकिन क्या उनका बहाना बनाकर सबको पीसा जाए, ये सही है क्या? देखिए सबको पीसना तो गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। खैर जब तक कोई स्ट्रिक्ट कानून ना आ जाए, देश आज विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश आज आने वाले टाइम में इवन वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, और अगर हम उस अंधविश्वास को ही कुचल को ना कुचलें, लोग अगर उसी अंधविश्वास पे धर्रे पे गांव में विकास ना हो तो कैसे बैलेंस विकास कर पाएंगे देश का? तो ऐसे स्ट्रिक्ट कानून आना तो जरूरी है खैर देश में, जिससे थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, श्रद्धा का भी इवन थोड़ा बहुत कत्ल होगा, लेकिन इस टाइम बाद वो बैलेंस हो जाएगा और उसको लोग प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। आज हम शहरों में देखते हैं, इवन मैं अपने घर से अगर देखूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मेरे घर में लोग बाग जितना मंदिरों में और इन चीजों में पूजा में टाइम देते हैं, मैं आज की डेट में इतना दे नहीं पाता हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वो चीज इतनी जरूरी। देखिए हम समय के साथ साथ जितनी बिजी लाइफ हमारी होती चली जाएगी, हम उतने ही प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे। तो जितना ही इंसान गांव में बेवकूफ बनाया जा रहा है या उन चीजों में इन्वॉल्व है, क्योंकि उस पर रोजगार धंधा नहीं है, लेकिन अगर उसे धंधा दे दिया जाए या इन चीजों से अलग किया जाए, तभी वो सोच पाएगा अपने विकास के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, और परिवार का विकास ही शायद देश का विकास कर पाएगा। और इन चीजों में उलझा रहेगा तो शायद वो विकास कुछ ही नहीं कर पाएगा, और इन्हीं के नाम पे वो अपने परिवार वालों को बेवकूफ बनाता रहेगा कि मैं इन चीजों में टाइम दे रहा हूँ, यहाँ टाइम दे रहा हूँ बाहर, और उसका शायद विकास संभव है ही नहीं, देश का भी रुकेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लगता है आपकी ऐसी सारी प्रतिक्रिया या जो कॉलर इस प्रकार की प्रतिक्रिया कह रहे हैं, वो ऐसे बाबा बंगाली जैसे जो लोग हैं, जो है तो कहीं से, लेकिन बाबा बंगाली कहने से अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो ऐसे कई आपको लोग दिखेंगे जो कि सर्टिफाइड स्टैम्प मार के कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट देंगे, गारंटी देंगे कि एक से एक रुपया दे दो आपका काम हो जाएगा। ये धर्म के नाम पर पूरी तरीके से आघात है। ये इन लोगों से भी दुष्ट काम है जो धर्म को खत्म करने का काम करें, लेकिन ये श्रद्धा वाले नहीं है, ये तो दुकान चलाने वाले हैं और ये तो बस पेट भरने वाले हैं। जो पूरा हमारा जीवन दर्शन है, जो हमारे हजारों साल की परंपरा है, जो हमारी मान्यता है, उनके बारे में हम बात करें और वह हाथ लगाने का किसी को कोई अधिकार नहीं, ऐसी मान्यता हमारे देश के ज्यादातर बड़े हिस्से की है। एक और कॉलर। सरकार ये जो कानून लाना चाहती है, हाँ, इसके पीछे इनका उद्देश्य है कि हिंदू तो एक संगठित नहीं रहे और कांग्रेस अपना शासन बिंदास चला सके, इस्लाम को बढ़ावा देने की इनकी नीति है। अल्पसंख्यकवाद का ये तुष्टीकरण कर रहे हैं ताकि देश में हिंदू कमजोर रहे, हिंदू दबाव में रहे, हिंदू कभी ऊपर नहीं आ पाए, और हिंदुओं में जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और आम जो हमारी हजारों साल पुरानी जो आस्था है उसके ऊपर चोट करने का ये प्रयास हिंदू समाज के ही बुद्धिजीवी कर रहे हैं, जिनको धर्म की कोई जानकारी नहीं है, जिनको देश की संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है, और कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है ताकि वो देश पे बिंदास तरीके से अपना शासन चला सके और हिंदुओं को कमजोर करे और मुसलमान और इस्लाम को बढ़ावा दे सके। ये इसकी साजिश है। धन्यवाद। ये आरोप लोग लगा रहे हैं और यह आरोप सरकार के कुछ क्रियाकलापों के कारण और प्रधानमंत्री से लेके छोटे छोटे नेताओं तक जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उससे लोगों में उपजी भावनाओं के कारण है, ऐसा मैं मानूंगा। एक और कॉलर। नमस्कार। श्रद्धा के नाम पर श्रद्धा का कत्ल सही एक बड़ा गंभीर विषय है। ये हिंदू के साथ तो अन्याय है ही, ढोंगी सेकुलरिज्म को भी उजागर करता है। पहली बात तो यह है कि सरकार अगर बाकी सेकुलर है तो ऐसा विषय उसका हो ही नहीं सकता, ये काम धर्म गुरुओं का है। इसके पहले भी सरकार की तरफ से कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो हिंदुओं के विरुद्ध हैं, जैसे मुसलमानों के लिए आरक्षण, हिंदी हिंदुओं को शरणार्थी का दर्जा ना देना, आज के सब्जेक्ट पर भी और हर पहले वाले सब्जेक्ट पर भी कांग्रेस की लाइन लगभग यही रही कि सरकार हिंदू विरोधी कार्य
मुसलमानों को खुश करने के लिए करती है, पर मेरी सोच इससे थोड़ी अलग है। मैं ऐसा मामलों में सरकार से ज्यादा हिंदू जनता को दोषी मानता हूँ। सरकार हिंदू विरोधी कार्य इसलिए करती है कि क्योंकि हिंदू विरोधी कार्य पर सोचती है कि वो ऐसा करने से मुसलमान व ईसाई खुश होंगे और उनके वोट उसे मिलेंगे। आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हिंदू विरोधी कार्यों से हिंदू रुष्ट होगा और मुसलमानों को वोट तो मिले, उसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हिंदुओं के वोट से वो वंचित रह जाएगी। ये तब हो सकता है जब हिंदू चुनाव में सरकार को ऐसा एहसास कराए कि उसकी हिम्मत कभी हिंदू विरोधी कार्य करने की नहीं हो। दूसरा, हमारे धर्म गुरु भी राजनीति को अछूत व वैश्या न समझे बल्कि राजनीति का हिंदूकरण करें। यही सावरकरवाद है, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। अगर हिंदू नहीं बचेगा तो उनको धर्म गुरु कौन कहेगा और उनके कौन पांव छुएगा और कौन महामंडलेश्वर कहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। सावरकरवादी है चांदना जी और हर दृष्टिकोण पर सावरकर का दर्शन क्या कहता है, इस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात को कहा है, हालांकि कुछ कॉलर का यह भी जरूर कहना है जिससे मैं भी पूरा समर्थन करता हूं कि अंधश्रद्धा का भी बहुत बड़ा बाजार है और जिस बाजार ने श्रद्धा के बाजार या श्रद्धा के आशा मान्यताओं को धोने में या उसको नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि श्रद्धा कहां खत्म होती है और अंधश्रद्धा कहां शुरू होती है, इसलिए धार्मिक क्षेत्रों के लोग ज्यादा आगे आकर इसका प्रचार करें, इसके लिए प्रबोधन करें, इसके लिए लोगों का प्रशिक्षण करें। एक कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं, देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये जो अंधश्रद्धा कानून बनाने जा रही महाराष्ट्र सरकार, ये अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा है, हिंदुत्व के दमन की चरम सीमा है और इसको इसको रोका जाना चाहिए हर हाल में। और ये कहीं ना कहीं से ईसाइयत और मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने की ही बात है। अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया तो ये हिंदू संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। और जो इसके पक्ष में अपनी राय रख रहे हैं ये सब घोर नास्तिक हैं और किसी तरह का कोई धर्म से कोई संबंध इनका नहीं है। धन्यवाद। हालांकि आज के कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों को ये लगता है या ये लोगों की प्रतिक्रिया है जो स्वाभाविकता सरकार के फूट पाड़ो राज करो नीति का हिस्सा लोगों को लग रही है, इसलिए लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी अपनी प्रतिक्रिया को रख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इस कानून से उनको भी कैसे नुकसान हो। देखिए कैसे पाबंदी आएगी अन्य के ऊपर भी, ये भी इसमें कुछ प्रावधान है। मुसलमान हमारे जो भाई है वो अगर खतना करते हो, खतने के ऊपर भी इसके ऊपर पाबंदी आ सकती है। इतनी गंभीरता इस कानून के अंदर है। जैन संप्रदाय में है, उनके मुनि अपने बाल मतलब वो काटते हैं, वो बाल भी मतलब खींच नहीं सकते, इसके ऊपर पाबंदी आ सकती है। हिंदुओं के धार्मिक श्रद्धाओं के ऊपर, हिंदुओं के स्तोत्रों के ऊपर भी बंदी आ सकती है। हम कहते हैं सरकार को इतना ही है कि यह कानून हम बनने नहीं देंगे। सरकार यह कानून लाने का प्रयास करती है तो सभी संगठन, सभी हिंदुत्ववादी व्यक्ति इकट्ठा आकर सरकार के खिलाफ रास्ते के ऊपर उतरेंगे और एक कानून का विरोध करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि ये कानून मुस्लिमों के ऊपर लागू होगा या नहीं होगा।